हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। सो आज के बिजनेस एनालिसिस के सेशन में हम बात करने वाले हैं एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर। ओके, तो एफएमसीजी सेक्टर के साथ आज हम सभी जुड़े हुए हैं, राइट? मतलब आप अगर कुछ खाने पीने का सोचोगे या कोई से फॉर एग्जांपल आपका कोई लाइफस्टाइल प्रोडक्ट सोचोगे तो एफएमसीजी कंपनीज का दिमाग में नाम में आता है, लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, मैरिको, नेस्ले इंडिया। तो ये सारे एफएमसीजी कंपनीज हो गया हमारे कंट्री में। तो आज के जो सेशन है इसमें हम बात करते हैं तीन चीज़ों के ऊपर। फर्स्ट है कि एफएमसीजी सेक्टर में जो इतना प्रॉब्लम्स है, आप देख रहे होंगे कि पिछले एक डेढ़ साल से कोई एफएमसीजी स्टॉक्स ऊपर जाता ही नहीं है, तो उसके पीछे कारण क्या है, राइट? एफएमसीजी स्पेस में प्रॉब्लम्स क्या क्या हो रहा है। दूसरा हम बात करेंगे कि से फॉर एग्जांपल के आज जो बड़े एफएमसीजी कंपनीज हैं, जैसे मैंने इन तीन चार पांच का अभी जो नाम लिया, उनका परफॉर्मेंस कैसे है, राइट? बिकॉज अगर आप देखोगे कि सेक्टर के बारे में अगर आपको जानना है तो मार्केट लीडर्स के बारे में आपको जाननी है, राइट? कि मार्केट लीडर क्या बोल रहा है, राइट? तो मार्केट लीडर जो बोलता है जनरली वही सेक्टर का एक सिचुएशन होता है, ठीक है? तो हम थोड़ा इन कंपनीज के बारे में थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे और देखेंगे कि लाइक इनका रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है? और देखेंगे कि लाइक आज अगर जो मैक्रो में जो चीजें हमको सुनाई दे रहा है तो क्या कंपनी वाला वही चीज बोल रहे हैं कि कुछ अलग कुछ हो रहा है, ठीक है? और तीसरे जो हम बात करेंगे कि लाइक क्या हम, मतलब इफ यू आस्क मी, वुड आई एवर बी इन्वेस्टिंग इन दिस बिग एफएमसीजी कंपनीज इन माय लाइफ, ठीक है? या फिर मैं इनपे कभी भी इनपे अपना पैसा डालूंगा या नहीं डालूंगा, इस पर बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एफएमसीजी सेक्टर में हो क्या रहा है। आप सोचिए, पिछले एक डेढ़ दो साल से सबसे बढ़िया प्रॉब्लम है दुनिया में वो है कि इन्फ्लेशन की, ठीक है? सो मतलब अगर आप देखोगे कोई भी अगर एफएमसीजी कंपनी का, अगर आप मतलब मैनेजमेंट से बात करोगे या बाहर जगह आप देखोगे, सारे चीजों का दाम बढ़ते जा रहा है, ठीक है? तो इन्फ्लेशन सबसे बढ़िया इनका प्रॉब्लम है। अब जब इन्फ्लेशन का मतलब क्या, सोचिए कोई एक एफएमसीजी कंपनी से नेस्ले का एक रॉ मटेरियल है, वो है दूध, ठीक है? अब आप देखोगे मिल्क प्राइसेस हैज गॉन अप बाय 40-50% लास्ट साल से इस साल में, राइट? अब प्रॉब्लम क्या होता है कि जब लेट से फॉर एग्जांपल आपका रॉ मटेरियल प्राइसेस इतना बढ़ जाता है, ठीक है, तो जनरली उसको तो आपको तो पास ऑन करनी चाहिए, राइट? आपके 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 प्रोडक्ट्स का प्राइसेस का दाम बढ़ा के। बट क्या प्रॉब्लम हुआ है हमारे देश में कि हमारे देश में मेनली एफएमसीजी कंपनीज का ग्रोथ आता है रूरल सेगमेंट से, अर्बन सेगमेंट से नहीं। मतलब जितना रूरल में जाओगे, जितना गांव में आप जाओगे, उतना एफएमसीजी का ग्रोथ वहां से दिखता है। अब सोचिए ना, एक रूरल इकोनॉमी में जब लेट से इन्फ्लेशन का इतना बड़ा प्रॉब्लम आता है तो कंजम्पशन में प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसीलिए क्या हुआ, ये सारे एफएमसीजी कंपनीज का ना डिमांड में इशू आ गया, तो ये बनता है दूसरा प्रॉब्लम। तो भाई देखे, मैंने अपने कॉपी लेके बैठा, तो अगर मैं कुछ पॉइंट अगर भूल भी जाता हूँ तो मैं एक तरफ ये कॉपी को देख लेता हूँ ताकि मैं मतलब सारी चीजें आपके सामने लेके आ सकता हूँ। फिर ये कंपनीज क्या बोल रहे हैं कि सिंस दाम इतना बढ़ गया है, तो अभी सोचिए दो चीजें हो रहा है। एक तो दाम इतना बढ़ गया है और अगर आपने प्राइस को पास ऑन कर दिया, ठीक है, तो आपका डिमांड घट रहा है। बिकॉज फिर लोगों को क्या लग रहा है, अरे नहीं, ये प्रोडक्ट पहले 100 रुपए का था, अभी लेट से 125 रुपए का हो गया है, तो मैं देखता हूं कि इसी तरह का प्रोडक्ट कोई और सस्ता बेच रहा है कि नहीं, राइट? और यही होता है रूरल इकोनॉमी, ठीक है? क्योंकि अगर आपने दाम बढ़ा दिया तो लोग ढूंढने लगते हैं कि ले दूसरा कौन सा कंपनी का प्रोडक्ट है उसमें हम यूज कर सकते हैं। तो अभी एफएमसीजी कंपनीज का क्या प्रॉब्लम आ गया, उनको लगा कि लाइक ओके, हमारे रॉ मटेरियल प्राइसेस हैव गॉन अप बट हम दाम नहीं बढ़ा पा रहे, तो हमें मार्जिन पे तो हिट रखना ही पड़ेगा। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि लाइक ठीक है, हम थोड़ा बहुत अपने मार्जिन पे हिट लेंगे लेकिन अपना प्राइसेस को उतना नहीं बढ़ा पाएंगे। तो सोचिए ना, आज अगर आप नेस्ले का देखोगे तो वो मैगी के ऊपर में सेम पॉइंट बोला, ठीक है? मतलब सुरेश नारायण जो नेस्ले का सीईओ है, ही टॉक्ड अबाउट कलेक्शंस मैगी का जो पैकेट है, मतलब सोचिए ना, पैकेजिंग का प्राइसेस हैव गॉन अप, फ्रेट प्राइसेस हैव गॉन अप, मिल्क प्राइसेस हैव गॉन अप, वीट प्राइसेस हैव गॉन अप, ठीक है, पल्सेस का प्राइसेस हैव गॉन अप। तो आज कोई भी अगर आप देखोगे ना, इंडिया में अगर सीपीआई 6% है, ठीक है, अगर टोटल इन्फ्लेशन 6% है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन हैज गॉन अप बाय 16% ऑन अ वाईओवाई बेसिस। मतलब खाने का सारे रॉ मटेरियल का प्राइसेस हैव गॉन अप एंड दैट हैज इंपैक्टेड बिजनेसेस लाइक नेस्ले, इंपैक्टेड बिजनेसेस लाइक ब्रिटानिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो अब कंपनीज का क्या प्रॉब्लम है कि पिछले एक डेढ़ साल से यही प्रॉब्लम चल रहा है। अगर आप कोई भी एफएमसीजी कंपनी का कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लो या मैनेजमेंट से बात करो तो वो आपको यही बोलेगा कि रॉ मटेरियल प्राइसेस आर स्टिल एट ऑल टाइम हाई। या फिर कुछ कंपनीज जैसे एचयूएल, जैसे ये भी बोला है कि धीरे धीरे करके हम देख सकते हैं कि रॉ मटेरियल प्राइसेस आर कमिंग डाउन, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि लाइक अभी मतलब एकदम नीचे आ चुका है। व्हाट दे आर सीइंग इज के लाइक मे बी मोर और लेस टॉप्ड आउट हो चुका है, अब आगे जाके थोड़े थोड़े करके बेटर होगा। कैसे होगा, बिकॉज देखिए ना,
अगर लेट्स से अभी तो आपका ये जो रबी सीजन का जो ये क्रॉप सोइंग है, ठीक है, और लकीली मॉनसून अच्छा गया है इस साल में, सो आगे जाके मे बी कॉमोडिटी प्राइसेस कैन कम, मतलब थोड़ा सा मॉडरेशन होगा ताकि दिस एफएमसीजी कंपनीज कैन डू गुड। अब आप मुझे बोलोगे कि इससे इफेक्ट क्या हुआ, राइट? सिंस दाम बढ़ जाता है तो डिमांड इफेक्ट होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ बड़े बड़े एफएमसीजी कंपनीज का ना रिजल्ट अपने ट्रैक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? मतलब ये सारे है आपका Q3 का नंबर्स। तो सोचिए, डाबर हो गया, मैरिको हो गया, ठीक है, और आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, इनका YOY इनका कोई रेवेन्यू का ग्रोथ हुआ ही नहीं है। मतलब पिछले साल के Q3 में जो इनका रेवेन्यू था, इस साल के Q3 में उनका उतना ही रेवेन्यू है, तो इनका कोई ग्रोथ है ही नहीं। सिर्फ ग्रोथ आए हैं बड़े एफएमसीजी कंपनीज में नेस्ले का, जो लेट्स से फॉर एग्जांपल 10-12 आई थिंक इट्स 10 or 12 or 13% ऑन अ YOY बेसिस, ठीक है। सिर्फ नेस्ले का मैंने थोड़ा बहुत ग्रोथ देखा, बाकी का तो उतना ग्रोथ है ही नहीं। दूसरा पॉइंट क्या है, एक तो डिमांड इफेक्ट होता है बिकॉज चीजों का दाम बढ़ रहा है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, दूसरा प्रॉब्लम यही के लिए आप तो पूरा प्राइसेस भी पास ऑन नहीं कर पा रहे हो, और रॉ मटेरियल प्राइसेस जितना ऊपर रहेगा मतलब आपको मार्जिन में हिट लेना पड़ेगा, राइट? मतलब आपके बिजनेस का कोई ऑपरेटिंग लेवरेज ही नहीं रहेगा, आपका पैट इफेक्ट होगा। तो अगर आप ये देखोगे, जैसे मैंने बोला हिंदुस्तान यूनिलीवर का YOY लेवल पे रेवेन्यूज का है एकदम स्टैग्नेंट, ठीक है, तो साल के एंड तक मतलब YOY लेवल में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हिंदुस्तान यूनिलीवर का has gone down by almost 7.5 to 8%, right? मतलब sales flat है लेकिन profit after tax has gone down by 8%. It shows कि आपका ये जो bottom line खा रहा है कौन? Inflation, right? और company उसको pass on नहीं कर पा रहे। दूसरी point ये है कि अगर आप देखोगे कि एक FMCG company का सबसे important चीज क्या होता है, वो है कि उनका distribution sense, right? तो जितना आप ज्यादा अपना distribution को बढ़ाओगे, नया नया शहरों में जाओगे, नया नया गाँव में जाओगे ना, उतना ज्यादा आपका volume growth होगा, करेक्ट? क्योंकि सोचिए ना, अगर मतलब कोई भी एफएमसीजी प्रोडक्ट का अगर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं है तो वो प्रोडक्ट बिकने वाला है नहीं। क्या करना होता है कि कोई भी एफएमसीजी प्रोडक्ट का ना, एक तो जैसे उनका एडवर्टाइज करना पड़ता है, और आपके आंखों के सामने, घर के सामने, हर जगह में उसको फैला के देना है, ठीक है? मतलब कोई भी किराना स्टोर में प्रोडक्ट होनी चाहिए, कोई डीमार्ट जैसे जगह में, अब भी आपका वो रिलायंस मार्ट में प्रोडक्ट होनी चाहिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह होनी चाहिए, तब जाके क्या होता है कि कस्टमर जाके वो प्रोडक्ट को खरीदता है। सो दिस इज हाउ द एफएमसीजी मॉडल इज बिल्ट, इट्स बिल्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम थोड़ा इसमें थोड़ा बात करते हैं, ठीक है, कि लाइक फॉर एग्जांपल, एक तो इन कंपनीज का कोई ग्रोथ नहीं है, और अगर आप देखोगे ये जो 3-4 बड़े कंपनीज का हम डिस्कस कर रहे हैं, ये ऑलरेडी कंट्री में हर जगह फैल चुका है, तो ग्रोथ कहां से आएगा? क्योंकि देखिए, अगर कोई भी कंपनी हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो या सबसे छोटा कोई कंपनी हो, स्टॉक मार्केट में पैसा वो शेयर बनाता है जिसका ग्रोथ आता है, टॉप लाइन का ग्रोथ, बॉटम लाइन का ग्रोथ, जिसका ऑपरेटिंग लेवरेज है। तो सोचिए ना, आज अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर और डाबर और मैरिको और नेस्ले, ये तो इंडिया में ऑलमोस्ट हर जगह में फैल चुके हैं, राइट? तो डिस्ट्रीब्यूशन इनका बहुत तगड़ा है, लेकिन ग्रोथ कहां है और आगे कहां जाएगा, करेक्ट? सो इस एंगल से देखनी चाहिए। सो अगर आप इस एंगल से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि लाइक मैं उस तरीके से मैं ये बात आपको बोल रहा हूँ कि मैं ये सब शेयर्स को कभी नहीं लूंगा। तो आगे जाके आप मुझे बोल सकते हो कि लाइक क्यों, आगे जाके तो इन्फ्लेशन बॉटम आउट हो जाएगा, राइट? और फिर से वो बॉटम लाइन मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ने लगेगा, थोड़ा बहुत लेवरेज आ भी सकता है। बट पॉइंट क्या है, कल इन्फ्लेशन कम हो गया, ठीक है, फिर रॉ मटेरियल प्राइसेस घट गया, इनका चलो प्रॉफिट का ग्रोथ दिखने लग गया, लेकिन इनका टॉप लाइन का ग्रोथ का क्या, राइट? मतलब डू यू एवर फील अ हिंदुस्तान यूनिलीवर और अ मैरिको कैन ग्रो एट अ 25% CAGR ऑन अ YOY बेसिस टॉप लाइन में? नेवर। तो आपका स्टॉक कभी उस रेट से जाएगा ही नहीं। अब सोचिए किस रेट से जाएगा, ठीक है, सिंस डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह हो चुका है, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन से वॉल्यूम ग्रोथ आता है जैसे मैंने बोला, तो वॉल्यूम ग्रोथ तो उतना आएगा नहीं, और आएगा भी चलो ठीक है जितना, जैसे फॉर एग्जाम्पल नेस्ले का कुछ रर्बन करके एक नया पॉलिसी बनाया है, तो वो एकदम मतलब Tier 4, Tier 5, Tier 6 सिटीज में जा रहा है। दूसरा मैंने ये भी देखा कि लाइक फॉर एग्जांपल डाबर मैरिको भी वही बोलता है कि हमको गांव में और घुसना है, बिकॉज वही पे थोड़ा बहुत वॉल्यूम ग्रोथ मिल सकता है, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे थोड़ा बढ़ता है, राइट? क्योंकि वहां पे आप नया नया दुकानों पे जाके अपना सामान बेच सकते हो, शहरों में एग्जिस्टिंग दुकानों में और कितना बेचोगे। तो बात यहां पे आ जाती है कि वॉल्यूम ग्रोथ का खेल है ही नहीं इनका, इन एफएमसीजी प्लेयर्स का, बात आता है इनका सिर्फ वैल्यू ग्रोथ का। वैल्यू ग्रोथ का क्या मतलब है कि ऐसे जो ये इन्फ्लेशन से जो ये रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ा, तो ये क्या कर सकता है, एट मैक्स सिर्फ उसी रेट से अपना अपना चीजों का अपना प्राइसेस को बढ़ा सकता है, राइट? सो लेट्स से
फॉर एग्जाम्पल मैगी का पैकेट 10 रुपए का था, ठीक है, लेकिन आज अगर देखोगे मैगी का पैकेट 12 रुपए का है या 15 रुपए का है, तो इसका मतलब तो 10 रुपए का पैकेट आज लेट से 12 रुपए में अगर बिक रहा है तो इसका वैल्यू ग्रोथ हुआ है 20%, ठीक है, वॉल्यूम ग्रोथ नहीं हुआ है। वॉल्यूम ग्रोथ होता है कि लेट से फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर सेलिंग मोर ऑफ मैगी पैकेट्स, ठीक है। तो इंडिया में अगर आप देखोगे ना, अगर आप प्राइसेस सिर्फ बढ़ाते जाते हो ना, तो जैसे मैंने बोला इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, क्या होता है, पीपल डाउन ट्रेड, ठीक है। तो इंडिया उतना अमीर देश नहीं है कि लाइक आप आपका 25% का ग्रोथ रेट सिर्फ अपना वैल्यू का, मतलब प्रोडक्ट का सिर्फ वैल्यू बढ़ा, मतलब प्राइसेस बढ़ा बढ़ा के, हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए मैं ये सारे स्टॉक से हमेशा दूर रहता हूँ, ठीक है। तो कल इसका शायद कॉमोडिटी, मतलब कॉमोडिटी, अब सोचिए ना, ये सारे बिजनेसेस अब अगर देखोगे 50 60 70 80 के पीई में सब चलता है, ठीक है, और इनका कोई टॉप लाइन का ग्रोथ नहीं आ रहा है, ठीक है, इनका इनका मार्जिन्स पे प्रेशर है, ठीक है, तो ये सारे शेयर कहाँ जाएगा, करेक्ट। कल आप बोल सकते हो, जैसे मैंने बोला कि पॉजिटिव थिंग यही हो सकता है कि लाइक ये सारे कंपनीज का कल रॉ मटेरियल प्राइसेस कम डाउन, राइट, और इसका सेल्स अगर वही के वही रहा तो क्या होगा, इट गिव्स अ बूस्ट टू द प्रॉफिट बिफोर टैक्स नंबर, राइट, एंड इससे क्या होगा, थोड़ा ईपीएस बढ़ेगा। बट सोचिए ना, मुझे इस तरह से अपने ईपीएस कंपनी का नहीं बढ़ाना है जबकि मुझे पता है कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन आगे, डिस्ट्रीब्यूशन का ग्रोथ है ही नहीं। तो मुझे अगर कोई एफएमसीजी कंपनी लेना है ना, तो मैं ये देखूंगा कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहां हो रहा है। मैं वैसा एक कंपनी लूंगा जो लेट्स से फॉर एग्जांपल नया नया ज्योग्राफीज में जा रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा रहा है। अगर आप ये 4-5 बड़े एफएमसीजी कंपनीज का देखोगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन का बात करता ही नहीं है, ऑलमोस्ट कोई नहीं करता है, और अगर करता भी है तो बोलता है कि गांव में जा रहे हैं एंड ऑल दैट। बट इफ यू लुक एट देयर एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन बेस, डू यू थिंक दे कैन इंक्रीज और डबल डिस्ट्रीब्यूशन इन 3-4 ईयर्स? नो। अगर देखोगे एचयूएल का डिस्ट्रीब्यूशन यहां से डबल होने में पता नहीं कितना साल लगेगा। तो एचयूएल क्या होता है, ये सब बनता है आपका डिविडेंड डील स्टॉक। ये सब स्टॉक वो बनता है जहां पे लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके लाइफ में आपको टेंशन नहीं चाहिए। ये सारे स्टॉक्स देखिए, इनका प्रोडक्ट्स इतना सर्टेन है, राइट, मतलब आप अगर मैरिको का पैराशूट ले लो, या सफोला ले लो, या डाबर का च्यवनप्राश ले लो, या हनीटास ले लो, या फिर आप एचयूएल का लक्स ले लो, डव ले लो, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट्स आज से 50 साल बाद भी टिकेगा। तो ये सारे स्टॉक्स आपके पैसे डुबोएगा नहीं, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि लाइक ये सारे स्टॉक्स आपके उतने पैसे बनाएगा भी नहीं, राइट, ये सारे स्टॉक्स आपको पैसे बनाएगा लेट्स से फॉर एग्जांपल जीडीपी के ग्रोथ रेट से इधर उधर करके थोड़ा बहुत बना देगा, ठीक है, मतलब जीडीपी के ग्रोथ रेट के आसपास बनाएगा, बिकॉज ऑफकोर्स ना पूरा कंट्री में फैल चुका है, सो अल्टीमेटली कंट्री जिस रेट से ग्रो करेगा ये लोग उसी रेट से ग्रो करेगा। लेकिन आप अगर एक बिगिनर हो, आप एक एक्टिव इन्वेस्टर हो, आपको स्टॉक मार्केट में आगे कुछ सिग्निफिकेंट कुछ करना है, ठीक है, आप छोटे कैपिटल लेट से लाए हो, तो ऐसे कंपनीज में अगर आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर डाल के रखा है पैसे को, या आपने डाल के रखे हो, तो इसमें शांति बहुत आता है, इसमें लगता है कि पैसा डूबेगा नहीं, चलो बहुत सही है कि चलो मैंने, जैसे होता है ना कि मैंने एशियन पेंट्स ले लिया, या चलो मैंने एचयूएल ले लिया, या चलो मैंने नेस्ले ले लिया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन सारे स्टॉक्स में जिंदगी नहीं बदलती है, इन सारे स्टॉक्स में ना लाइफ नहीं बदलता है, बिकॉज यहां पर इतना बड़ा बेस है, ठीक है, इसमें 20-25-30% का ग्रोथ कहां से आ सकता है। सो आई एम नॉट सेइंग के लिए कोई एक ऐसा कंपनी ले लो जो 30% का ग्रोथ बोल रहा है, ले लो, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा उसको, राइट, लेकिन ऐसे कंपनीज में जाओ जहां पे यू हैव अ चांस टू मेक इट बिग इन द मार्केट। ऐसे कंपनीज लाइक जैसे मैंने आज बोला, राइट, फिर उसके साथ इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है उनका, ठीक है, और ये स्टॉक्स इतने हाई पीई में चल रहा है, तो हाई पीई का स्टॉक में अगर कोई ग्रोथ नहीं है, ठीक है, तो वो तो अटक जाएगा ना। लेकिन अगर आप देखोगे बहुत सस्टेनेबल एंड स्टेबल बिजनेसेस है, कैसे आपको पता है, बिकॉज इफ यू लुक एट देयर आरओई नंबर्स, ठीक है, इनका रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत हाई है, लेकिन क्या है, हर साल में जो पैसा वो, मतलब क्या होता है ना, रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या है, नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी, लेकिन हर साल का जो नेट इनकम है उसको, उनको तो क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था कि लो अपने धंधे में वापस पैसे डाले और अपने डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाए, लेकिन इनका डिस्ट्रीब्यूशन उतना बढ़ाने का जगह है नहीं, तो क्या करते हैं, नेट इनकम को लेते हैं और पूरा के पूरा ही डिविडेंड दे देते हैं, राइट, और अगले साल एग्जिस्टिंग धंधा वही आरओई बनाता है वापस, राइट, तो आरओई रिमेंस हाई, लेकिन जो नेट इनकम है ना, वो जो पैसा बनता है वो ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड्स के थ्रू से निकल जाता है, ठीक है। तो एज अ शेयर होल्डर आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा डिविडेंड मिल रहा है, मेरा कैपिटल जा नहीं रहा है स्टॉक मार्केट से, लेकिन आप उतना पैसा बनाओगे भी नहीं। तो ये बनता है आज का एफएमसीजी का एनालिसिस। तो आगे जाके हम क्या करेंगे, Q4 में जब हम फिर से एफएमसीजी का बात करेंगे, तब हम ये देखेंगे कि लाइक, मतलब बिजनेस को तो हमें ट्रैक करना है, राइट, तो हम ये देखेंगे कि लाइक चलो ये कॉमोडिटी इन्फ्लेशन का क्या हुआ, राइट, और अगर कॉमोडिटी इन्फ्लेशन का बारे में, बिकॉज देखिए आज अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम दैट इट वॉज प्रॉब्ली 6 months और 9 months डाउन द लाइन, और धीरे धीरे करके थिंग्स आर इंप्रूविंग, बट इट्स स्टिल लाइक वे टू अर्ली टू मेक अ कंक्लूजन कि चलो इन्फ्लेशन का जमाना चला गया। बिकॉज अगर इन्फ्लेशन का जमाना चला जाता है ना,
तो आई टेल यू दिस, यूएस फेड और हमारा आरबीआई रेट कट करना चालू कर देगा, क्योंकि जितने दिन से हमारा रेपो रेट बढ़ता रहेगा ना, अभी तो 6.5 हो गया परसेंटेज, ठीक है, 4% था, 4 से अगर 6.5 हो गया, जिस दिन लेट से फॉर एग्जांपल आरबीआई आके ये बोलता है ना, मतलब उनको कट भी नहीं करना है, अगर वो आके सिंपली ये बोलता है ना कि लाइक हम और आगे रेट नहीं बढ़ाएंगे, तब आपको क्योंकि क्या आरबीआई भी ये सारे सीपीआई के डेटा लेके बैठे हैं, वो सारे चीजों को पूरा मतलब पूरा एकदम ना मतलब एकदम नजर टिका के बैठा हुआ है, ठीक है। तो अगर आरबीआई को लगता है कि चलो फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल में आया हुआ है तो सीपीआई नहीं बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो हम धीरे धीरे करके अपना रेट को बढ़ाना बंद कर देंगे, करेक्ट। बिकॉज क्या प्रॉब्लम होता है कि लाइक जब से लेट्स से फॉर एग्जांपल जब रेट कट होगा या जब आरबीआई के ये बोलेगा, तब आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में आ चुका है, एंड रेट कट का मतलब ये है कि इकोनॉमी में फिर से ग्रोथ लाने की बात चल रही है। सो ये बनता है आज का एफएमसीजी का एनालिसिस। तो हमने 3-4 चीजें बोला, अगेन लाइक मैं कोई रिकमेंडेशन सर्विस नहीं चला रहा हूँ, ये मैं सिर्फ आपको एडुकेट करने के लिए बोल रहा हूँ, और मैं यही बोल रहा हूँ कि लाइक फॉर एग्जांपल सिंस मैंने लास्ट में ये अपना बाई सेल का बात क्यों किया, बिकॉज मैं देखता हूँ बहुत लोग ऐसे बड़े बिजनेसेस लेके बैठे हैं, मतलब जिसका ग्रोथ नहीं है, वो पास्ट का देख रहे हैं। देखो जब हिंदुस्तान यूनिलीवर छोटा था ना, और जब बड़ा बन रहा था, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था अक्रॉस ज्योग्राफीज ना, तब अगर वैसा होता तो मैं उस स्टॉक को लेता, लेकिन आज हिंदुस्तान यूनिलीवर एकदम पूरा कंट्री में फैल चुका है, ठीक है, आज नेस्ले पूरा कंट्री में फैल चुका है, तो यहां से आगे कहां जाएगा, राइट। तो बात वही आता है कि लाइक इफ यू आर लुकिंग फॉर 8-10-12% CAGR तो इन स्टॉक से मिल जाएगा, लेकिन इफ यू लुकिंग फॉर 20-25% CAGR ये स्टॉक से नहीं मिलेगा। तो यही मेरा पॉइंट है, और सिंस मैं एक एक्टिव इन्वेस्टर हूं एंड आई हैव एज ऑन माय हैंड, आई विल नेवर इन्वेस्ट इन सच कंपनीज, लेकिन ये आपका डिसीजन है, मेरा काम है कि लाइक आपको एकदम इजी लैंग्वेज में सब कुछ समझा देना, बाकी तो आपका डिसीजन। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।